गाजीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आरसीएम बिजनेस से ही गरीब व्यक्ति बन सकता है धनवान। गाजीपुर उत्तर प्रदेश, संजय राय की खास रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के कनीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लट्ठूद्री स्थित उत्सव वाटिका में आरसीएम बिजनेस के तहत सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा आरसीएम के वरिष्ठ पदाधिकारी राजकुमार यादव ने बहुत ही बारीकी से आरसीएम बिजनेस के बारे में समझाते हुए कहा कि अधिक से अधिक जुड़कर गरीब व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। सेमिनार में मौजूद पढ़ने वाली छात्राएं, महिलाएं, बुजुर्ग एवं नौजवान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। वहीं ग्रेजुएशन कर रही छात्रा ऋतु चौहान ने भी अपने उत्सुकता का परिचय देते हुए आरसीएम बिजनेस के बारे में बताई। साथ ही राजेश कुमार राय ने भी अपने विचार प्रकट किए। मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ पदाधिकारी राजकुमार यादव, छात्रा ऋतु चौहान तथा वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश कुमार राय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज के कार्यक्रम में लोगों को, जो दर्शक जो भी जुड़े हैं या जो लोग भी जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उनके लिए आपने क्या संदेश दिया? आगे वो अपने भविष्य के लिए क्या करेंगे? मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं, जो हमें कंगाल बना रहे हैं, उनको छोड़ करके आरसीएम के प्रोडक्ट अपनाएं और इसके बारे में लोगों को घर घर जाकर के संदेश दें और धीरे धीरे करके लोगों को आरसीएम सिस्टम से जोड़ने का प्रयास करें। अगला कार्यक्रम आपकी क्या है? आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति मैंने ठान लिया हूँ कि हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदलना है इस आरसीएम के बिजनेस के माध्यम से। यही वो लोग हैं जो मैं शुरू में आप लोगों से शेयर किया था कि दुनिया में वो काम जो आप करके जाते हैं और आपके परिवार को मिलता रहता है, उसी के लिए नाम है आपके अंदर जाता है। वो लोग हैं इनके जाने के बाद इनकी आने वाली पीढ़ियां पैसे के लिए परेशान नहीं होंगी, तो इनके इनका जो बिल्कुल भी चाहिए वो इनका करेंगे, प्रकार का स्वागत करेंगे, जिसको चाहिए जिसको नहीं चाहिए वो उसको। जी सर, आप एक अपना परिचय बताएं। मैं राजेश कुमार राय, ये गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। इस समय कहाँ पर मौजूद हैं, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? इस समय हमारा आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस क्या है और इससे लोगों को क्या क्या लाभ मिलेंगे? आरसीएम बिजनेस में जो है हम दुकान को बदल देंगे। जी, जो ट्रेडिशनल मार्केट है हमारा उसमें शुद्ध सामान नहीं मिलता। अच्छा, दो नंबर के सामान मिलते हैं और ये सारे लोगों को पता है गवर्नमेंट को, और हम दुकान को बदल देते हैं तो आरसीएम बिजनेस में 100% हमारा शुद्ध सामान है और बिचौलियों को हटा देते हैं, इसलिए हमको रोजगार मिल जाता है। अतः इस परिस्थिति में यूं कहा जाए कि एक रिक्शे चालक से लेकर और ऊपर तक के जितने लोग हैं सब एक बराबर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, यही तो हम लोग बताना चाहते हैं मीडिया को भी कि हमारा संदेश ऊपर तक पहुंचे। जंगल में रहने वाले दो गरीब लोगों को अगर अमीरों की पढ़ाई, आरसीएम बिजनेस की पढ़ाई पढ़ा दिया जाए तो वो आदमी अमीर हो जाएगा। जी, धन्यवाद। आप अपना एक परिचय बताओ। मेरा नाम जीतू चौहान है, ग्राम कबीरपुर, पोस्ट गांधीनगर, जिला गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। इस समय कहाँ पर आई हो और कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये आरसीएम बिजनेस का कार्यक्रम है, ये मेरा सेमिनार है और ये गाजीपुर के जिले में एक छोटा सा गांव है, उधर करीमगंज रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा और आगे उत्सव वाटिका मैदान में। क्या कार्यक्रम चल रहा है और इसमें किन किन प्रकार का लोगों को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया? ये आरसीएम बिजनेस है, ये आरसीएम बिजनेस है, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि यही लोग कर सकते हैं, अमीर लोग या फिर गरीब लोग, छोटा या बड़ा, मतलब इसमें कोई बाउंड नहीं है, इसमें कोई भी कर सकता है, एक गरीब भी और एक अमीर भी, एक लड़की और एक लड़का, एक बूढ़ा और बुजुर्ग, मतलब कोई भी इसको कर सकता है। बेटा, आपके अंदर यह सोच कब से और क्यों, किस प्रकार से आई और कैसे आई? ये सोच मेरे क्लाइंट विकास सर है, उनको अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया।
मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ, पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस में स्टार्ट की विकास सर के माध्यम से। जब वो मुझे ये सिस्टम बताया, जब इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाया, तो मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इस टाइम जो है नौकरी का बहुत ज़्यादा हो गया है कि मिल नहीं रहा है, लड़कियाँ या फिर लड़के नौकरी के तलाश में बहुत दर्द तक है, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके मिल नहीं रहा है। लेकिन ये ऐसा जो यहाँ पे हम मात्र नेटवर्क बना के करोड़ों अपना अपनी एक पहचान बना सकते हैं और यहाँ से बड़ी इनकम ले सकते हैं। बेटा कहने का मतलब, हाँ बोलो बोलो जी सर। यहाँ पे बिना पूंजी लगाए हम बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जीरो से शुरू किए हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं? जी सर, मैंने जब स्टार्ट किया अभी इस बिजनेस का मैं दूसरा पिन लेवल अचीव कर चुकी हूँ। तो आगे अपनी सहेलियों के लिए, आसपास की महिलाओं के लिए कितना आप प्रेरित कर रही हैं और किस प्रकार से कर रही हैं? सर मैं अपने बहनों और महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो भी RCM बिजनेस में आए। अगर उनका सपना है कुछ कर दिखाने का, अपना एक पहचान बनाने का, माता पिता का अपना सम्मान करने का। जैसे होता क्या है कि हम लड़कियों को ज़्यादातर आज़ादी नहीं मिलती है सर, और रहा बात नेटवर्क मार्केटिंग की, तो इसमें ज़्यादातर हम लोगों को बॉन्ड मिलता है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं इसको। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर माता पिता अपने ऐसे बुकों में पढ़े हैं कि झांसी की रानी होती है, लेकिन वो असलियत में चाहते हैं कि मेरी भी बेटी झांसी की रानी हो, तो वार्षिक बिजनेस में उसको ला सकते हैं सर। कहने का अर्थ ये है कि लड़की और लड़का में क्या अंतर है और किसकी महत्व ज़्यादा दी जाती है? सर कहने को तो ये है कि काम के सिलसिले में इस टाइम लड़कियां ज़्यादा आगे तक बढ़ रही है लड़कों से, और ये बिजनेस जो है हम औरतों का ही है, क्योंकि हल्दी तेल नमक मिर्चा मसाला हम औरतें ही यूज करते हैं घर में, और हम चाहें तो हर घर में, क्योंकि पुरुष किसी के किचन में नहीं घुस सकता है, लेकिन हम हर घर में घुस के ये RCM प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं। आगे कहाँ तक अपनी सोच है और क्या करने का है? इस बिजनेस में मुझे आगे बहुत दूर तक का सोच है, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि वो एक हर लड़की को बोला जाता है कि तुम अपने माता पिता की राजकुमारी हो, लेकिन हम असल में राजकुमारी बनना चाहते हैं। अगर हमारा शादी भी हो तो हम भाड़े की गाड़ी में नहीं, अपनी खुद की गाड़ी में जाएं। थैंक यू।